पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले और उनके अधिकारों को छीन लिया जाना कोई नई बात नहीं है। आए दिन हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं होती रहती हैं। गैर मुस्लिमों पर अत्याचार ऐसा कि यदि वे अपना त्योहार भी मनाते हैं तो इससे कट्टरपंथी भड़क जाते हैं। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और इन्हें अपने त्योहारों को भी डर डर कर मनाना पड़ता है। ताजा घटना पाकिस्तान में होली मनाए जाने को लेकर हुई है। होली रंगों का त्योहार है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में एक कट्टरपंथी इस्लामिक छात्र संगठन ने रंग में भंग डालते हुए होली खेल रहे छात्रों पर हमला बोल दिया, जिसमें 15 छात्र घायल हो गए हैं। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 मार्च को पंजाब यूनिवर्सिटी में करीब 30 हिंदू छात्र होली का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। यह बात मुल्क के कट्टरपंथियों को रास नहीं आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कट्टरपंथी संगठन इस्लामी जमीयत तुलबा के कार्यकर्ताओं ने जबरन हिंदू छात्रों को होली मनाने से रोका। इस कारण दोनों गुटों में झड़प हुई। इस वजह से 15 हिंदू छात्र घायल हो गए हैं। विश्वविद्यालय के एक छात्र और एक प्रत्यक्षदर्शी काशिप ब्रोमी ने मीडिया को बताया कि जैसे ही छात्र लॉ कॉलेज के परिसर में इकट्ठा हुए, IGT के छात्रों ने हमला कर दिया। ब्रोमी का दावा है कि होली मनाने वाले छात्रों ने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ही मंजूरी ले ली थी। होली मना रहे छात्रों का ये आरोप है कि जब वे IGT सदस्यों द्वारा जबरन होली मनाने से रोकने का विरोध करने के लिए कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे तो यूनिवर्सिटी के गार्ड्स ने भी उन्हें पीटा। छात्रों ने उन्हें पीटने और प्रताड़ित करने में शामिल IGT और यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ पुलिस में एक शिकायत भी दी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। दूसरी तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी के IGT प्रवक्ता इब्राहिम शाहिद ने इस घटना में अपने छात्रों के शामिल होने से इनकार किया है। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रवक्ता खुर्रम शहजाद ने बताया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने लॉ कॉलेज के गार्डन में होली मनाने की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने कहा, अगर समारोह कमरे के अंदर मनाया जाता तो कोई समस्या नहीं होती। उनके मुताबिक यूनिवर्सिटी के कुलपति ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट। मिलोटी बच्चों को मार रहे हैं।